गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा लाइफस्टाइल में आप सबका वेलकम है। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड हम हो चुके हैं रेडी। हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा कम्प्लीट देखना। सो एंड जो छोटा वाला भाई है वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसका है एग्ज़ाम आज, तो इसलिए आज वह है घर पर एंड पापा गए हैं अपनी जॉब पर। सो मम्मी, मैं एंड भाई जा रहे हैं साथ में आंटी अंकल के साथ, तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। सो चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे रास्ते में। गाइस अब निकल चुके हैं, मैं जा रही हूँ अभी आंटी के घर एंड पीछे भाई और जीरकपुर। ये जीरकपुर का एरिया है, यहाँ पे पूरे शॉप्स है और यहाँ पे बिग बाजार भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दिखाती हूँ आपको अगर पॉसिबल हुआ तो। ये है बिग बाजार जीरकपुर का, काफ़ी फेमस है ये। एंड इसके साइड में लद्दाख की मार्केट भी तो ये लगती है ना। हाँ उठती ये रहा, और इसके जस्ट साइड में वी मार्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह मिल जाती है सब। ये रहा वी मार्ट, बजट फ्रेंडली है काफी। सो गाइस हम जीरकपुर आ चुके हैं, अभी जीरकपुर से आगे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो मम्मी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस हम जा रहे हैं मनसा देवी, आंटी पहली बार जा रही है, उन्होंने नहीं देखा मनसा देवी मंदिर, तो हम उन्हें घुमाने जा रहे हैं। आंटी आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके अभी वहाँ जाके दिखाते हैं और क्या क्या। सो अब आ चुका है पंचकुला और बस यहाँ से मनसा देवी थोड़ी सी दूरी पर है। सो बस हम पहुँचने वाले हैं मनसा देवी मंदिर, और बहुत सालों बाद आना हुआ है मनसा देवी के द्वार में एंटर हो गए हैं। सो हम आ चुके हैं मनसा देवी मंदिर में, और अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि मंदिर में आगे क्या क्या है, मंदिर कैसा है, और ये काफ़ी बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। तो ये है मंदिर में अंदर जाने के लिए मेन जो एंट्री होती है यहीं से होती है, और इस तरफ है बहुत सारी शॉप्स बनी है जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ पे नवरात्रों के टाइम पे मेला भी लगता है, बट कोविड के वजह से शायद बंद हो गया होगा अब, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता था रात में पूरे 9 दिन, और काफ़ी रौनक रहती थी उस टाइम पर। और यहाँ पर हम आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद में आप बेसन के लड्डू, चुनरी, नारियल, खीर कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे तरह के यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है, माता का श्रृंगार भी मिल जाता है, और पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है घंटी, शंख, चुनरी वगैरह सब का सब इन शॉप्स में मिल जाता है। सो हमने प्रसाद ले लिया है एंड अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए यहाँ पे जो दो गेट है वो है, एक तो ये मेन गेट है जो आपको पहले दिखाया था, ये जो दिख रहा है ये मेन गेट, मेन एंट्री यहाँ से ली जाती है, और एक दूसरा है जो कि VIP एंट्री गेट है। सो वहाँ से आर्मी वाले एंड जो VIP पर्सन्स होते हैं उनके लिए एंट्री है। सो हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 से, क्योंकि हमें जो फैसिलिटी है आर्मी की तरफ से, तो हम गेट नंबर 2 से जा रहे हैं। एंड गाइस मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसकी मान्यता भी बहुत ही ज़्यादा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, स्पेशली नवरात्रों में तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। सो यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है, जो कि पहले नहीं थी बट अब हो गई है, जैसे कोई नहीं चढ़ पाता है स्टेयर्स वगैरह तो वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, तो इसमें अपनी अपनी चॉइस है कैसे भी जा सकते हैं। ये है मुख्य द्वार जहाँ से माता रानी के दर्शन होते हैं। मैं माता की चुनरी मिली है, वाओ प्रसाद। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, और मंदिर में बहुत भीड़ है उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से हो गए, और मम्मी को मिली है चुन्नी, पहली बार मिली है ना प्रसाद, मम्मी को चुनरी मिली है। और ये रहा यहाँ का कुछ ऐसा मंदिर,
यहाँ पे अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो नवरात्रों की पूरी तैयारी की जा रही है। ये लाइट्स लगाई जा रही है, ये देखो उस तरफ सामने शिव मंदिर। और ये जो पेड़ है ये भी काफ़ी बहुत साल पुराना पेड़ है, और यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती है चुनरी बांधकर, और दिया और अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। तब तो बड़ा कर दिया। सो अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर में। ये रहा शिव मंदिर का रास्ता। बहुत सारे मंदिर है मनसा देवी के अंदर भी, तो हम चल रहे हैं शिव मंदिर। सब कुछ चेंज कर दिया। इधर है हनुमान जी का मंदिर, और दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं बाहर के साइड। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये देखो पूरा वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये रहे, तो हमने इन फ्लावर्स के साथ काफ़ी सारी पिक्स क्लिक करा ली है, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ये आपको पिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। इंस्टा आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और ये रहा यहाँ का रास्ता। उनसे पहले भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे जाएंगे। और मम्मी ये भी तो है ना शयन कक्ष, ये जो दिख रहा है आपको ये है शयन कक्ष, ठीक है। और ये रहा भैरव बाबा जी का मंदिर, और इसके जस्ट सामने है पटियाला मंदिर। अब इसके बाद पटियाला मंदिर जाएंगे। सो गाइज, यहाँ से बाहर निकलते जस्ट सामने है पटियाला मंदिर। ये भी मनसा देवी मंदिर के अंदर ही है, और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही साल पुराना है। हम जब छोटे छोटे थे ना, बहुत ज़्यादा आते थे इस मंदिर में, मतलब नवरात्र में तो डेली हमारा आना होता था, क्योंकि हम यहीं पास में रहा करते थे, तो इसलिए नवरात्रों में डेली और बीच बीच में भी कभी कभी आए जाते थे। मोस्टली बहुत ज़्यादा आना होता था, और अब हम चले गए हैं काफ़ी दूर, तो इसलिए काफ़ी साल बाद यहाँ पर आना हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारी बचपन की मेमोरीज भी जुड़ी हुई है यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये मंदिर की एक खासियत है, चारों तरफ से एक जैसा लगता है। अरे पूरा ओपन एरिया यहाँ पे। यहाँ से पटियाला मंदिर से बाहर निकलकर राइट साइड में आता है, यहाँ पे है ये भंडारा। काफ़ी टेस्टी यहाँ का जो खाना होता है, कढ़ी चावल तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये है भंडारे के लिए, और उसके आगे है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पर है बाबा बालकनाथ जी के जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई, ऐसे लगेगा जैसे कि वैष्णो देवी माता की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। थोड़ी सी दूर की है यहाँ पे चढ़ाई। और गाइस, बचपन में हम यहाँ से ना वापस आ रहे हैं, ऐसे भाग भाग के आया करते थे, बहुत ही मज़ा आया करता था। सारी मेमोरीज वापस आ रही है यहाँ पे आकर। और काफ़ी फेमस है मंदिर, ये पंचकुला में मनसा देवी का मंदिर, बहुत ही पुराना। तो आप लोग भी कभी आओ, कभी आना होता है तो। मंदिर, और वो जो गेट देख रहे हो उस तरफ है आर्मी कैंट एरिया। हम वहीं से पहले आया करते थे जब यहाँ चंडी मंदिर कैंट में रहा करते थे, तो यहीं अंदर से आया करते थे। हमारे हो चुके हैं सारे मंदिरों के कंप्लीट, और यहाँ से उतरते हुए बिल्कुल वही फील आ रहा है जैसे वैष्णो देवी मंदिर में जब जाते हैं, वहाँ से पहाड़ी उतरते हैं।
गाइस हम वापस जा रहे हैं, हमारे हो गए हैं दर्शन बहुत ही अच्छे से। और धूप इतनी तेज हो गई, अभी तो मार्च एंड ही है एक तरह से, और इतनी तेज धूप है, गर्मी है अभी से ही, तो पता नहीं मई जून में क्या होगा। सो अब हम चल रहे हैं वापस, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपके साथ शेयर करूंगी। कैसा लगा आपको मंदिर में आकर? अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हो गए? हाँ, अच्छे से हो गए। आंटी आ जाए थे यहाँ पे पहली बार मनसा देवी में। काफ़ी फेमस जो सिंगर है जैसे नरेंद्र चंचल, लखवीर सिंह लखा, वो सब भी आए हैं यहाँ पे जब जागरण होता है भजन गाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत बड़ा एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। सो जैसे कि अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, नवरात्र की पूरी प्रेपरेशन हो रही है यहाँ पे, लाइटिंग की और मेले वगैरह भी लगते हैं। कोविड के टाइम पर शायद अब पता नहीं बंद हो गया है या चल रहे हैं, पर मेले भी यहाँ पर लगते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है। तो वापस जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे जो शॉप्स हैं और यहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान ले लिया जाए, जैसे पूजा से रिलेटेड, जैसे घंटी शंख वगैरह। तो हम यहाँ पे अभी थोड़ी सी पूजा की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये जो मार्केट है ना, ये जो यहाँ शॉप से जैसे प्रसाद लिया था, तो यहीं से कुछ लेने के लिए आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। 300 ये कार्कुलेट ही करेंगे। सो मंदिर में हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। सो दर्शन करने के बाद में हमने सोचा क्यों ना चंडीगढ़ घूमा जाए, क्योंकि आंटी अंकल कभी भी चंडीगढ़ नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास टाइम है और चंडीगढ़ पास है यहाँ से, सो चंडीगढ़ चलते हैं। शॉपिंग करने के लिए हमने सोचा यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए जब आए हैं, और यहाँ कर देखा तो पूरी मार्केट बंद है, सी एक भी शॉप नहीं खुली हुई है, क्योंकि जो महीने का फोर्थ सोमवार होता है, फोर्थ मंडे, उसमें सारी शॉप्स बंद होती है पूरे चंडीगढ़ की। कुछ सोचा था कि क्या क्या लेंगे, बट कुछ भी नहीं ले पाए। सो अब चल रहे हैं वापस, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। और हमें घूमते घूमते 3 बज चुके हैं, आज हम सुबह से घर से निकले हुए हैं। सो मार्केट बंद होने की वजह से हम शॉपिंग तो कर नहीं पाए, तो इसके बाद हम कहाँ गए थे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, इसी का सेकंड पार्ट में डालूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग हो चुका है काफ़ी बड़ा। सो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे गए थे चंडीगढ़ में घूमने के लिए। सो आप उसे देख लेना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।